इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। वेल थॉट आउट बहुत प्लान्ड अटैक्स हैं, यानी ये कि इनको ये मालूम होता है कि इसका रद्दे अमल मुस्लिम दुनिया में इस वक्त अटैक करने का क्या आएगा। ये शदीद तरीन ज़रब लगेगी इनको, और उसके साथ जो यूएई है वहाँ के हुक्मरान जो एक तरफ अभी उनसे रابطے استوار हुए हैं, उनके लिए अपनी पॉपुलेशन के गमो गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो यानी एक तरफ जब ये अटैक करते हैं तो ये जानते हैं कि रद्द अमल क्या आएगा, और ख़ुद मुसलमान हुक्मरानों के लिए अपने अपने मुल्कों में लोगों के जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, यानी एक इंतशार की कैफियत वहाँ पे आएगी। ये जानबूझ कर होता है। अब इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये यानी ज़र्ब लगा के, ये तो उनकी अपने डिज़ाइंस हैं। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान, क्योंकि भारत नेशन स्टेट है, हमें ये देखना होगा कि यानी एक तरफ यानी हमने टर्की में बहुत मज़ारे देखे हैं, लेकिन उनके जो यानी टूरिज्म के मामलात हैं या सफारती ताल्लुकात हैं वो एक तरफ रखते हैं और गम गुस्से का इजहार भी करते हैं। हमें ये देखना होगा बतौर एक नेशन स्टेट के, जाहिर है कि इमरान खान ने आज जो ट्वीट किया बहुत अच्छा किया कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन इसके साथ प्रैक्टिकल होकर ये ज़रूर देखना चाहिए कि फलस्तीनियों की मदद हम किस तरह कर सकते हैं। क्या नारे लगा के कर सकते हैं, क्या हम उनसे जंग करने की पोजिशन में हैं। अगर ये दोनों बातें उसे हम फलस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते तो वो तीसरा कौन सा रास्ता है जिस पर हम बैठकर सोचें और हम फलस्तीनियों की प्रैक्टिकली कोई मदद कर पाए। राइटली सेड, प्रैक्टिकली कोई मदद कर सके। पीजे मीर साहब, सर आपकी क्या राय होगी, आप कैसे देखते हैं इस पर? एटलीस्ट पाकिस्तान और या पाकिस्तानी हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बयान तो दे रहे हैं, बहुत सारे ममालिक के सरबरान का तो कोई बयान तक भी नहीं आ रहा इस पर। अरसलान, देखें, सबसे पहले तो ये जो हम कह देते हैं मजम्मत कर रहे हैं, हम इधर तक ही हैं। आपने कभी किसी फ़लस्तीनी को देखा है कि कश्मीर के मामले में कोई बात करे? हम ही उठ के फ़लस्तीनियों के आगे जाते हैं कि दुनिया को बताते हैं कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। मैंने इनसाइड सिचुएशन वहाँ सारी देखी है। ये जो इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में हुआ है, मैं जूते पहन के अंदर जा रहा था, मेन कॉरिडोर से उन्होंने मेरे जूते उतरवा दिए। ये इजरायली सोल्जर था वहाँ, उसने मेरे जूते उतरवा दिए। उसने कहा अंदर नहीं जा सकते, ये मुकद्दस एरिया। मैंने कहा बट यू आर अ जू। वो कहता है इट डजंट मैटर, इट इज़ सीक्रेट फॉर अस टू। चलो ये होगी। ये जो गेम हुई है मस्जिद अल अक्सा में, इसमें कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है कि जो एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इसराइल इस वक्त नेक्सस में आ गया है यूएई के साथ भी है। इनकी एम्बेसी उस वक्त 2006 के अंदर इनकी एम्बेसी फिर भी वहाँ थी टेल अवीव में, मैं खुद देख के आया हूँ। अब इन्होंने ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज कर दिया है। सो द मिडल ईस्ट इज़ अप्रोचिंग इसराइल प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आपने देखा कि ट्रंप ने जेरूसलम को इंटेग्रल पार्ट कर दिया इसका, इसराइल का। सो ये एक बहुत बड़ी गेम हुई है जिसमें मैं समझता हूँ ये डिवाइड किया जा रहा है इस्लामिक वर्ल्ड को, एंड ऑफकोर्स इसराइल को एक आप कह लो कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट नेवरदलेस मैं इस हमेशा जब भी पैलेस्टाइन पे बात हुई है मैं कहता हूँ देखो, मुझे किसी के चाचे मामे बनने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे घर के अंदर 73-year-old लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पड़ी हुई है। मैं उसकी क्यों नहीं बात करता हूँ? आज मैं पैलेस्टीन की कर रहा हूँ, ठीक है, मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये टॉपिक हमें ऑन एन एवरीडे बेसिस कश्मीर का हमने इधर बैठ के लड़ना है, हमने इस पर बैठ के बात करनी है। पैलेस्टाइन में जो बात होती है दुनिया उसका नोटिस ले लेती है, कश्मीर में जेनोसाइड होता है, पैलेट्स होती हैं, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारते हैं, वहाँ कोई बात ही नहीं करता। तो अब आप उमा की बात करते हैं, व्हाट इज दिस उमा? दिस उमा इज एब्सोल्युटली नॉन डिस्क्रिप्ट। ओआईसी तो चली गई सी, ये इस तरह का इनका रवैया है। ये कौन बोलता है कश्मीर के ऊपर? इनके अपने रिश्तेदार, इनके अपने रिलेशंस इंडिया के साथ। सो बेसिकली हमने ये जो अपना स्टांस है, हमने इस स्टांस को तकड़ा करना है। वन, टू,
पैलेस्टाइन और ये 1917 में आपको पता है जब बैल्फर डिक्लेरेशन हुई है और उसके अंदर भी इसमें ऑपोजिशन हुई थी, क्या आप इसको क्यों इसराइल का स्टेट बना रहे हो, लेकिन लॉबी थी, एक लॉबी अगेंस्ट थी, एक फॉर थी, एवेंचुअली इसको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द ऑटोमन एम्पायर और उसके रिप्रकशंस आज भी आप देख लो, एक अनरिजॉल्वड आप कॉन्फ्लिक्ट उधर चल रही है, कश्मीर भी हुई आपका एक प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए माजरत के साथ कश्मीर इज फर्स्ट, बिलाशुबा कश्मीर पहले है, ज्यादा करीब है, सारे मामलात हैं, लेकिन एज एन होल पाकिस्तान हमेशा से एक स्टांस रखता रहा है फलस्तीन को लेकर, यौमुल कुद्स आज भी मनाया जाता है, तमाम तर मामलात हैं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? मैं आपके प्रोग्राम के दौरान ये भी ट्विटर पर देख रहा था, मोहम्मद बिन जैद जो कि मेंटोर है मोहम्मद बिन सलमान के, 4.1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स, एक ट्वीट नहीं की इस शख्स ने, एक ट्वीट, मोहम्मद बिन सलमान कोई बयान जारी नहीं किया इस शख्स ने, यह मुस्तकबिल का बादशाह है और खादिमुल हरामैन शरीफैन फलाना ढिमकाना, और ये इस वक्त वलीअहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, ठेकेदार हैं उम्मत मुस्लिमा के, हमारे किबला और काबा हैं, आप पूरी उम्मत मुस्लिमा में से उठा के, कौन सी उम्मत मुस्लिमा है अरसलान, ये सब इक्तदार प्रस्त लोग हैं, ये सब अयाश प्रस्त लोग हैं, ये ऐशो इशरत के रसिया हैं, ये किसी सूरत में, आप एक फलस्तीन की बात कर रहे हैं, एक गजा की पट्टी की बात कर रहे हैं, 56 के 56 इस्लामी मुल्क तय तय हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये फिर भी नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ 36 लोग मरे हैं पिछले 5-6 दिनों में, सिर्फ 36 लोग, या 36 लाख मुसलमान मर जाए ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इक्तदार परस्त, ये शाही खानदान, ये खानवादे हैं, भाड़ में जाए इस्लाम इनकी नजर में, फाड़ में जाए मुसलमान, फाड़ में जाए उम्मत मुस्लिमा, इनका इक्तदार अगर मगरिब से अमरीका से टक्कर लेने से छिनता है वो नहीं करेंगे। ये तो अभी मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम शहर में बुलाया इसको बिन्यामिन नेतन्याहू को, और वहां खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। अभी 3 मुसलमान मुल्क है ना जिन्होंने अभी ताल्लुकात अपने सिफारती बहाल किए इसराइल के साथ, ये मटेरियल ही नहीं रहा, आप ये जो जिस लेवल की आप बात करें वो मटेरियल ही नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। देखिए 1967 में अभी हो क्यों रहा ये सब कुछ, 1967 में जो अरब इसराइल वॉर हुई थी 5 जून से लेकर 10 जून तक, उसके 55 साल मुकम्मल होने वाले हैं 5 जून को भाइयों, उससे पहले बड़ी सेलिब्रेशंस कर रहा है इसराइल। 1967 में इन्होंने ईस्टर्न यरूशलम पर कब्जा कर लिया था और जो मगरबी बैंक था गजा का उससे मुल्का इलाकों पर कब्जा कर लिया था और जो ओल्ड सिटी था उस पर कब्जा कर लिया था, ये उसको सेलिब्रेट करने जा रहा है, ये आपके सीने पर मोंग दलने जा रहा है। आप 36 लाशों को उठा के आप कह रहे हैं आपको गोरखा नहीं मिल रहा, आप कहां दफन करेंगे? ये इतनी बड़ी इंसानी जमीर के अंदर मीख गड़ चुकी है, मजाल है कोई बोल रहा हो यूरोप में से? वो यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान के खिलाफ, देखा आपने अभी करारदाद उन्होंने मंजूर कर दी, जी जी, इतनी तारीख में कभी इतनी एक सीरियत से करारदाद मंजूर नहीं हुई, हमारे यहां 4 जल जो एहतजाज निकले इन्होंने करारदाद मंजूर कर दी, वहां 36 लोग मर चुके, 700 से ज्यादा जख्मी है, 700 से ज्यादा, 36 तो आज सुबह की अल जजीरा की अपडेट थी आज सुबह की, और पूरी की पूरी इमारतें जमीन बोझ कर दी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जमीन बोझ कर दिए हैं, 10 बच्चे मारे गए, एक हामला खातून जिसके जिसके पास जिसके हाथ 4 माह का हमल ठहरा हुआ था उसको और उसके 5 साल बेटे को गोलियों से भून डाला। राइटली सेड अमीर अब्बास साहब, ये यकीनन रियलिटीज हैं, ये हकीकतें हैं, ये वो हकायक हैं जो हम सबके सामने हैं और जो खामोशी है वो भी सबके सामने, और उस पर क्या कोई एक मुल्क या बड़ी तादाद में ममालिक और
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सऊदी अरब के लोगों को अब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी नहीं, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, भारत के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के और श्रीलंका के भी ऐड करें इसमें, यहाँ के मुस्लिम इतने जज्बाती होते हैं लेकिन अरब के जो मुस्लिम हैं वो इतना जज्बाती नहीं होते, उनको ये नहीं लेना देना है। एक्चुअली मैं आप समझ सकते हो दोस्तों, प्रॉब्लम है क्या, यहाँ के मुस्लिम उम्मा ये वो जमाने भर की चीज़ें, अपने देश में कोई कितना मर रहा है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर मरे 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर, इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है और अब क्या कर सकते हो, आप देख रहे हो, सब तो देख रहे हो सोशल मीडिया में क्या हो क्या रहा है इस समय। तो सऊदी अरब की अगर आप देखें, मैंने अभी पिछले 3-4 वीडियो अपलोड किए जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किए सऊदी अरेबिया के कुछ लीडर्स के, तो वो सीरियसली क्लियरली बोल रहे हैं हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अटैक करते हो तो आपको ऐसा भुगतना पड़ेगा। और ये शुरुआत हुई थी जब मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले नमाजी लेकर गए पत्थर, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने इजरायली फोर्सेस पर बरसाए पत्थर बिना सोचे समझे एकदम से, ईद के पहले कैसे हो सकता है इजरायल एकदम से गोलियां चला दे, इतने दिन से सब शांति से हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो एकदम से ये शुरुआत उसी वजह से हुई। उसके बाद हुआ क्या कि आप देख रहे हो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि इजरायल पर 1700 रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से, हालांकि आप समझ सकते हो इजरायल की इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो रॉकेट 1700 में से 1500 तो मिसफायर्ड हुए होंगे और या तो हवा में नष्ट कर दिए होंगे या तो जहां से हमास ने गिराया वहीं कहीं गिर गए होंगे, वो वहीं उन्हीं का नुकसान हो गया होगा। 100 से 200 रॉकेट हमास के इसराइल के अंदर पहुंचे होंगे, जिससे आपको पता है एक इंडिया की एक लेडी भी की भी डेथ हो गई है, मलयालम थी वो लेडी, केरला की थी, तो समझ सकते हो आप वहाँ पर कई लोग भी मरे हैं इसराइल में। और इसराइल की कहानी है वो एक का बदला 100 से लेते हैं, उनका पुराना ये हिसाब ही चलता है। तो अब क्या कर सकते हो गाइस, पाकिस्तान को अगर इतनी खुजली है तो भाई अपना शाहीन रॉकेट भेज दो ना, ये इनका शाहीन रॉकेट बीच में ही कहीं वहाँ समुंदर में गिर जाएगा या तो ये शायद मिसफायर कर दें वहाँ कहीं, ये फिलिस्तीनियों को गिरा दें या जॉर्डन पे गिरा दें। आपको भी पता है इसराइल का अगर आप साइज देखोगे वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इनका शाहीन न्यूक्लियर बम कहीं दूसरे देश में फट जाए, इनको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। भेज दो भाई पाकिस्तान की फ़ौज, चले जाओ टर्की वाले, ऑटोमन वाले और ईरान वाले भी चले जाओ, देख लो जाके मज़ा ले लो थोड़ा सा, मतलब ये वो पुराने ज़माने में जी रहे हैं जिहाद ये वो, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको भी पता है इसराइल पर आप दागे जाओ रॉकेट, वो तो मशीन से लड़ रहे हो आप, सीधी बात है। गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।